अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एनजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। देखिए, अनशन पर बैठने से शरीर को बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस समय दिल्ली वालों का कष्ट इतना ज़्यादा है कि मेरे शरीर को जो कष्ट होगा वो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से फिर से निवेदन है कि वो अगले 2 दिन में दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलवाएं, वरना 21 तारीख से, परसों से, मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी।